कुछ इस प्रकार से इसको आप बाहर के भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या बताएंगे क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हाँ, तो इस वीडियो में हम इस लाइट के बारे में बताए हैं, इस लाइट, ये जो लाइट कैसे बना है। तो पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा तो कितना, मतलब पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अच्छा, हमको सिखा रही है, एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ, तो इसमें इसको बनाने के लिए एक पीवीसी पाइप शीट चाहिए और उसके बाद चलिए इसको अपने अनुसार भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो फिलहाल आप कुछ इस तरह से, हम इसमें डायग्राम भी बताए हैं क्या कितना इंची और कितना सेंटीमीटर के रखे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, स्किप कहीं नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से इसको कट कर लिए हैं और इसी का साइज, मतलब कि दो ठो इसी साइज का कट कर लेना है। अब चलिए इसको स्ट्रेस से इसको, मतलब कि रब कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए। तो फिनिशिंग का ध्यान रखना है, समझे? तो चलिए इसको जो है ना आधा करके कट कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है ना दो दो सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसको कट कर लेना है, जैसे कि आपको हम यह डायग्राम भी बता रहे हैं। तो 14 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 14 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। तो चलिए इसको कुछ इस प्रकार से फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक, मतलब कि लास्ट तक वॉच कीजिए, तब समझ में आएगी। चलिए इसको चिपकाते हैं। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है ना तीनों, मतलब कि साइड का जो तीनों है इसको चिपका दिए हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। आप जो ऊपर का है उसको भी चिपकाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो बैक वाला बल है उसको भी चिपकाएंगे। तो इसमें स्विच, पहले इसका जो स्विच लगाएंगे, तो कुछ इस तरह से इसका है। आप चलिए इसमें जो कौन सा एलईडी का यूज करेंगे तो उसको भी आप देख लीजिए, कौन कौन चीज़ इसमें यूज करने वाले हैं। तो पहले इसमें हम स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, उसके बाद हम लेंगे सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट, और उसके बाद कोई सा, जैसे कि यहाँ हम बटन वाला एलईडी का यूज करेंगे। आप कोई सा भी एलईडी का यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और एक इंडिकेटर लिए हैं, तो चलिए इसको पहले हम इसमें फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो पहले इसका जो पहले नाप लेते हैं कुछ इस तरह से स्विच को रख के। तो चलिए इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो फाइनली, तो कुछ इस प्रकार से इसका जो स्ट्रेस से भी घस लीजिएगा जो कि फिनिशिंग हो। अब चलिए इसका स्विच भी लगा लिए हैं। ये जो छोटा छोटा जो कट किए हैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर लेना है, जो कि इसमें स्क्रू भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम कस लेते हैं, मतलब फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं चारों फ्रंट में।
कुछ इस प्रकार से इसको कर लिया है। चलिए उसको सेट कर लिया। आप चलिए इसका जो ऊपर का जो बनाएंगे तो उसके लिए कैप रख के चलिए इसको भी डायग्राम अच्छे कर लें। तो कुछ इस प्रकार से इसको भी सरेस कागज के मदद से रब करके इसके साथ चलिए इसमें मिड पॉइंट में रख के हाँ तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है मतलब कि पूरे मार्किंग कर लेना है। अब इसमें हम एक बल्ब जो लगेंगे एलईडी उसमें हम बटन वाला बल्ब का यूज करेंगे। आप कोई सा भी एलईडी का यूज कर सकते हैं लेकिन आप पे डिपेंड करता है। तो हम और इसमें एक 9 वाट का एलईडी लगाएंगे जो कि लाइन से उसका ताल्लुक रहेगा। तो इसको हीट सिंक लगाएंगे क्योंकि एलईडी गर्म होगी तो ख़राब होगी, तो इसलिए इसमें हीट सिंक लगाएंगे। तो चलिए इसको भी हम करके दिखा दें। हाँ तो कुछ इस प्रकार से मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसमें जो एलईडी लगाएंगे 9 वाट का एलईडी, इसको पहले इसमें चिपका लेते हैं सारा चीज को। तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है ना चिपका लिए हैं। आप इसमें जो है ना कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन के लिए पहले शोल्डरिंग से पहले इस सब का पॉइंट उठा के कर देना। चलिए इसको भी करके दिखाते हैं। इस प्रकार से इसको कर लिए हैं। अब इसका जो है कनेक्शन पर चलिए। हाँ तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है ना चिपका लीजिए फेविक्विक की मदद से। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन भी कर लिए हम। 9 वाट एलईडी का अलग कनेक्शन कर लिया, हम तार अलग रखे हैं और ये जो डीसी के लिए अलग कनेक्शन है। तो फाइनली सब को चिप कर लिया है। चलिए इसका कैप लगा के इसको भी चिपका देते हैं। हाँ तो कुछ इस प्रकार से इसको चलिए सेट करते हैं। तो इसमें जो एलईडी 9 वाट का लगाए उसके लिए हम यहाँ कैप मतलब 9 वाट का एलईडी खराब का को इसमें सीट करेंगे। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से इसको भी हटा लेना है। इसमें जो ये 9 वाट का किट का यूज करेंगे मतलब कि बोर्ड भी कहा जाता है इसको। तो चलिए इसको भी इसमें फिटिंग कर लेते हैं। कुछ सिंपल सा कनेक्शन है, कोई भारी नहीं है, फिर भी इसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए 9 वाट का एलईडी का जो किट होता है उसको भी इसमें फिट करेंगे। हाँ तो चलिए इसमें कनेक्शन कोई भारी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका जो डायग्राम हम इसमें दे देंगे, तो वीडियो में डायग्राम हम बनाकर दे देंगे। तो चलिए इसको भी आप समझ जितना आपको समझ में आ रही है तो समझ लीजिए। जैसे कि 9 वाट का बोर्ड है और यहाँ बैटरी का है, स्विच इंडिकेटर कुछ इस तरह से है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। चलिए इसको भी हम फाइनली कुछ इस प्रकार से इसमें हम
थोड़ा सा लुक देने के लिए इस पर टेप्स चिपका दिए हैं फाइनली। तो आप भी रंग भी कर सकते हैं इसको, कलर भी, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं किए थे। तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है ना, मतलब कि दिखाई देता है। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया है, अगर लाइट, अगर आप पढ़ाई करते हैं लाइट चली जाती है तो ये एक नंबर लाइट है जो कि आपका मदद करेगी। तो चलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसका जो है टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट। तो चलिए कुछ इस प्रकार से लाइट को ऑफ करते हैं। तो सॉरी, तो अभी हम चार्ज में लगाए हैं जो कि यहाँ इंडिकेटर शो हो रहा है, जो चार्जिंग हो रहा है सॉकेट से। अब ये जो बल्ब इसका बढ़ रहा था और बढ़ रहा है इसका जो मतलब कि बढ़िया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।